दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें कौन सी मोटर लेनी चाहिए, 960 आरपीएम की मोटर या फिर 1440 आरपीएम की मोटर। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी लोगों का मन में डाउट रहता है कि हमें कौन सी मोटर खरीदनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आसपास से अपने राय लेते हैं, जो भी मिल वाले या फिर कोई भी जो मोटर से संबंधित चीज़ों को बनाते हैं या फिर काम करते हैं तो उससे राय भी लेते हैं कि हमें कौन सी मोटर खरीदनी चाहिए। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो उसे 1440 आरपीएम वाली राय देते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो 960 आरपीएम वाली मोटर को राय देते हैं। पर आज मैं आप लोगों को क्लियर बताने वाले हूं कि कौन सी आपकी मोटर खरीदनी चाहिए। अगर आप बिजली पे चलाना चाहते हो तो कौन सी खरीदनी चाहिए, सोलर पे चलाना चाहते हो तो कौन सी मोटर खरीदनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सो वीडियो में एंड तक बने रहिए अगर आपको मोटर से रिलेटेड ये सारी जानकारियाँ चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम उठाते हैं एक नॉर्मल सा, अगर आपको 10 एचपी की मोटर खरीदनी है, 10 एचपी की मोटर, तो 10 एचपी की मोटर को देखा जाए अगर यदि, तो वो 1440 आरपीएम की मोटर को अगर कोई लेता है तो उसमें 16 एम्पियर तक उसकी लोड की क्षमता दी जाती है। यानी कि आप मान लो फ्री में वो तो 5 एम्पियर लेगा, उसके बाद 5 एम्पियर से आप उसे अधिक जितना देते जाओगे वो 16 एम्पियर तक जाके काम करेगी। यानी कि हार्डली आप 16 एम्पियर तक उसे यूज कर सकते हो, इससे अधिक आप नहीं यूज कर सकते हो। अगर इससे अधिक आप यूज करना चाहोगे तो वो क्या है, मोटर जो है वो गर्म हो जाएगी और गर्म होने के साथ साथ वो जलने का भी अधिक चांस बढ़ जाएगा। तो ये हो गई अपना 1440 आरपीएम वाली मोटर के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना 960 आरपीएम की मोटर के बारे में। तो 960 आरपीएम वाली मोटर क्या है दोस्तों, इसका जो दिया जाता है इसमें थोड़ा कॉइल जो है वो थोड़ा 50 ग्राम अधिक बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण जो इसका जो एम्पियर है थोड़ा 17 एम्पियर तक लोड लेने की क्षमता हो जाती है। यानी कि 17 एम्पियर तक इसे आसानी से लोड दे सकते हो और ये इजीली तरीका से काम करेगा। यह नहीं कि फस के काम करेगा, लेकिन वो इजीली तरीका से 17 एम्पियर तक वो लोड लेने का क्षमता उसमें अंदर आ जाती है। साथ ही उसका स्पीड जो है थोड़ा कम कर दिया जाता है, 960 आरपीएम में लगा दिया जाता है, तो उसका जो लोड लेने की क्षमता है वो थोड़ा अधिक हो जाती है। बशर्ते आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सोलर पे यूज करना चाहते हो, जी हाँ दोस्तों सोलर पे यूज करना चाहते हो, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर यदि आप 960 आरपीएम वाली मोटर या फिर 1440 आरपीएम वाली मोटर को खरीदना चाहते हो तो इसका रेट भी है जो अलग लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कभी कहीं भी सुने होंगे या फिर दुकान में भी पता किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो अपना 960 आरपीएम वाली मोटर है वो 1440 आरपीएम वाली मोटर से थोड़ा अधिक दाम लगता है। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि अधिक दाम लगने का कारण यही है कि उसमें थोड़ा सा लोड जो है वो अधिक लेता है, और अपना जो बता दिए कि आप लोग को थोड़ा उसके मोटर के अंदर जो कॉइल है वो 50 ग्राम अधिक बांधी जाती है, यानी उसमें 50 ग्राम अधिक लपेटा जाता है। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सोलर पे यूज करना चाहते हो, जी हाँ दोस्तों, अगर कई लोग जो सोलर आटा चक्की लगाना चाहते हैं या फिर सोलर पे यूज करना चाहते हैं, तो सोलर पे लगवाने के लिए मेरे हिसाब से आपका 1440 आरपीएम वाली मोटर एकदम परफेक्ट है। आप उस पर यूज कर सकते हो, उसमें आप लोग को कोई परेशानियाँ नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं होगी। और 1440 आरपीएम वाली मोटर जो है वो सोलर पे अगर यूज करते हो तो फ़ायदा आपको क्या मिलेगा देखने को, कि मान लो फॉर एग्जांपल उसमें 16 एम्पियर तक की लोड की क्षमता दी गई है, तो आप उसे चाहोगे तो 17 एम्पियर तक दे सकते हो और 17.5 भी दे सकते हो। आप उसमें जलने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि उसमें BFD में वो कनेक्टर रहता है, BFD से उसका लाइन जाता है, तो BFD में वैसा सिस्टम बनाया गया है कि वो थोड़ा अधिक लोड भी अगर ले रहा है मोटर तो उसको गर्म होने से बचाता है और जलने से भी बचाता है। तो उसका क्या है, आपने देखा होगा BFD में 50 Hz लिखा हुआ रहता है, तो वो 50 Hz जो फ्रिक्वेंसी बताया जाता है उसको, वो जो है वो कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो कम हो जाता है, और अगर मोटर पे अधिक लोड पड़ रहा है तो उससे कोई दिक्कत कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गई अपने सोलर की बात। अगर आप सोलर पे यूज करना चाह रहे हो तो अपना 1440 आरपीएम की मोटर खरीदें। साथ ही अगर आप लाइन पे यूज करना चाह रहे हो, बिजली से चलाना चाह रहे हो, तो आप 960 आरपीएम की मोटर यूज करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिजली से चलाना चाह रहे हो तो 960 आरपीएम की मोटर पे यूज करें, ताकि बिजली में पावर होता है, अनलिमिटेड एम्पियर होता है, तो उसमें क्या होता है
कि आप अगर चाहोगे तो 17 एम्पियर को फुल चला सकते हो, कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपका पिसाई जो है अधिक निकाल पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आप उस पर अगर आप 10 एचपी की मोटर खरीदते हो तो उस पर 18 इंच की चक्की लगाएं तो आपके लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर 17 एम्पियर तक आप फुल लोड में उसको चलाओगे तो आपका 120 प्लस दे देगा पिसाई। या फिर स्पेलर चलाओगे फॉर एग्जांपल, तो वो जैसा आपका स्पेलर है, मान लो 8 वोल्ट का स्पेलर है या फिर 6 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट का स्पेलर है तो आपका 40 केजी पिराई करके दे देगा, और वही 8 वोल्ट का स्पेलर है तो 50-65 आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बात हो गई आपको मोटर के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख मिल गई होगी कि आपको कौन सी मोटर खरीदनी चाहिए। दोस्तों अभी भी मोटर से रिलेटेड कोई मन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास एक पुराना मॉडल का जो वर्ल्ड मॉडल मोटर चलता है वो अगर आपको सेकेंड हैंड में मिलता है और सोलर पे चलाना चाहते हो, लाइन पे नहीं सोलर पे चलाना चाहते हो, तो वो मोटर को आप परचेस कर सकते हो, ले सकते हो दोस्तों। क्योंकि उसमें क्या है कि अपना जो लोड का क्षमता है वो 20 एम्पियर तक दिया गया है, आप 20 एम्पियर तक उसे आसानी से यूज कर सकते हो। यानी कि ये समझ लो 10 एचपी की मोटर आपकी 15 एचपी की काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड मॉडल मिलता है तो आप उसको खरीद सकते हो, अन्यथा आप लाइन में यूज करना चाह रहे हो तो लाइन में आप नया ही खरीदो, हमारे हिसाब से नया ही लो। क्योंकि कारण ये है दोस्तों, नया लोगे तो आपको क्या है कि एम्पियर जो स्टार्टिंग में होता है मोटर का वो 5 एम्पियर तक होता है, तो अगर आप सेकेंड हैंड खरीद लेते हो सकता है वो बढ़ जाए, क्योंकि उसका कॉयल वगैरह फिर से बांधा जाता है तो उसका एम्पियर जो है वो ज़्यादा ले गए। मान लो फॉर एग्जांपल आपका 5 एम्पियर जो नया मोटर आपने लिया उसमें 5 एम्पियर तक लोड लेने की क्षमता होती है स्टार्टिंग में, और वो 7 एम्पियर ले लिया तो यानी कि 2 एम्पियर आपको बढ़ा दिया, फिर 2 एम्पियर का मान लो अपना जो बिजली बिल है वो बेफालतू को आपको भरना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लाइन पर यूज करते हो तो नया मोटर ही खरीदो, पुराना बिल्कुल भी ना खरीदें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों की प्राइस की। 960 आरपीएम वाली मोटर अगर आप 10 एचपी का लेते हो तो आपको ये 35,000 में पड़ जाएगी। दोस्तों वही अगर हम बात कर लें 1440 आरपीएम वाली मोटर के बारे में, तो 1440 आरपीएम जो है अपना 30,000 में पड़ जाएगी मार्केट में, और ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। दोनों मोटर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।